हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग का फिफ्थ डे है जर्नी का, केदारकांठा का, और हम लोग का बहुत बुरा हालत हो चुका है। हम लोग जब दुर्गा तालाब बेस कैंप में आए उसके बाद से ही 2-3 बजे से हेवी स्नोफॉल स्टार्ट है, जो अभी जाके छूटा है सुबह सुबह, जो 12 घंटे से लगभग लगातार स्नोफॉल हो रही थी। हम लोग का पूरा टेंट के ऊपर जम गया था पूरा स्नो। हर 20 मिनट में हम लोग को टेंट झाड़ना पड़ रहा था। बहुत ही हालत खराब, बहुत ज़्यादा ठंड, सो भी नहीं पा रहा आदमी। हम लोग बहुत ही गजब का एक्सपीरियंस। बिजनेस लोग की बहुत ही हार्ड है भाई, बहुत ही हार्ड होने वाला है, ज़बरदस्त। चलिए फिर मिलते हैं साकरी में। साकरी ऊपर निकलने वाले हैं, अभी गाइड ने आया था बताया। ये देखिए दोस्तों, रात भर में टेंट से 2 फीट ऊपर तक बर्फ पूरा जम गया है। ये देखिए उधर आप देख सकते हैं, जितने भी छोटा बड़ा टी स्टॉल है वो सब ढक चुके हैं बर्फ से। अभी तक स्नोफॉल होते ही है। कल दोपहर 2 बजे से लगातार स्नोफॉल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं माहौल, हालत खराब हो चुका है। टेंट के अंदर भी पूरा मॉइस्चर आ चुका था ना बर्फ की वजह से, सो नहीं पाया उसके वजह से पूरा। हम लोग बहुत ठंड। साकरी के लिए हम लोग निकल चुके हैं। जुड़ा तालाब बेस कैंप से देखिए, ब्यूटीफुल स्नो फॉलिंग हो रही है। स्नोफॉल बहुत हैवी हो रही है, हम लोग इसी में चल रहे हैं। देखिए रात भर में कितना स्नो हुआ, हम लोग का टेंट में इतना ही स्नो था। हम लोग वो बीच बीच में रिफ्रेश कर रहे थे उसको, गजब का व्यू है। हम लोग अब साकरी की ओर निकल रहे हैं। ये देखिए, वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। हम लोग साकरी पहुँचने वाले हैं और 30 मिनट का रास्ता है। रास्ते में बहुत कीचड़ हो रखे हैं और बहुत उससे स्लिप हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं, हम लोग पूरा टीम लोग यहीं पर है, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं टी पॉइंट में। और बहुत ही ब्यूटीफुल मौसम इधर कर रहा हुआ है। जाने वक्त यहाँ पर कुछ भी नहीं, स्नोफॉल नहीं था, ओनली मिट्टी ही मिट्टी दिख रही थी। बहुत ही बेहतरीन, गजब का नज़ारा है। साकरी उतर चुके भाई अपन, और साकरी में भी हेवी स्नोफॉल हो रही है, देख सकते हैं। साकरी में भी हेवी स्नोफॉल हो रही है, आपको दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। और हम लोग अपने कैंप की ओर जा रहे हैं, साकरी में जो हम लोग कैंप है। और अभी सब रूट पता चल रहा है कि सारे बंद कर दिए गए, ऊपर जाने के अलावा परमिशन नहीं है। अभी शायद जुड़ा तक भी जाने के अलावा परमिशन नहीं दे रहे हैं ये लोग, क्योंकि हेवी स्नोफॉल हो रही है पिछले 18 घंटे से लगातार। दोपहर कल 2 बजे से ही लगातार हो रहा है। इधर आप देख सकते हैं गाड़ियों पर कैसे बर्फ पूरा ये हो गया, पूरा हेवी स्नोफॉल हो रही है साकरी में भी। हम लोग अपने बेस कैंप पहुंच चुके हैं साकरी में, जहाँ पर थे वो देखिए, आपको दिख रहा है वो हम लोग का बेस कैंप है नीचे में। और ये पूरा मौसम देखिए, बहुत ही खराब मौसम किया हुआ,
यहाँ के लोगों के लिए खराब मौसम है, लेकिन अपने लोगों के लिए बढ़िया मौसम है घूमने के लिए। देखिए पूरा मौसम, पूरा हालत खराब है। जब का एक्सपीरियंस, डू एंड डाई एक्सपीरियंस, बिगिनर्स लोग के लिए टफ है बहुत। जब का ये देखिए, वो हम लोग का कैंप नीचे में, वो ऊपर देखिए, ऊपर पूरा ये ऊपर ऊपर वाला एरिया बोलते हैं कोट गांव। ऊपर क्लियर रास्ता फोर व्हीलर जाता है ऊपर कोट गांव। ये हम लोग को निकलना है अब यहाँ से देहरादून के लिए। हम लोग अब निकल चुके हैं देहरादून के लिए, यहाँ से ट्रेवलर में साकरी से देहरादून। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम रुके हैं पूर ओला में लंच करने के लिए देहरादून जाते हुए रास्ते में। बहुत ही बढ़िया व्यू भाई, आप देख सकते हैं ऊपर से कितना बेहतरीन लोकेशन मिल रहा है पूरा पुरोला का। और ये रेस्टोरेंट भी काफ़ी अच्छा डिजाइन किया है। मुझे लगता है पूरा पुरोला का सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट यही है। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग देहरादून पहुंच चुके हैं स्टेशन, साकरी से निकले थे जो अभी आधा घंटा पहले हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, जो कि टाइम हो रहा है 8 बज रहा है। और अभी हम लोग होटल में आए हुए हैं, खाना खाएं, डोसा मंगा रहे हैं। उसके बाद हम लोग को ट्रेन चलना है, 9:20 में ट्रेन है दिल्ली के लिए देहरादून से। हेलो दोस्तों, हम लोग देहरादून से दिल्ली पहुँच चुके हैं। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उतरा हूँ, आप देख सकते हैं स्टेशन। हम लोग चाय पीने की ओर चल रहे हैं, कहीं चाय पीना है, माइंड फ्रेस करना है। हम लोग मेट्रो से जाएंगे यहाँ से आगे, अगर मेट्रो है ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग
दिल्ली स्टेशन से नोएडा पहुंच चुके हैं अपने रूम की तरफ। अभी रास्ता में बीकानेर में हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद रूम जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ अक्षय है, हालात सबका ख़राब हो चुका है जर्निंग के बाद। खाना पीना सबका गोल हो चुका है समय हिसाब से। आप बताइए पंकज जी, कुछ बोलिए, कैसा क्या फील हुआ जर्नी में? कुछ नहीं बता सकते, कुछ तो बताइए मेरे दर्शकों को। बता दूँ आप जो फील किए वो दर्शक लोग फील करना चाहेंगे। दर्शक लोग फील क्या करेंगे, कुछ बताइए जो मजा आया यार, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। एक्सपीरियंस आप वीडियो देख के समझ जाएंगे। वीडियो देख के कैसे समझ जाएंगे? और माइनस बाईस डिग्री में क्या लग रहा था आपको? माइनस बाईस डिग्री में मैं दिखा रहा हूँ फोटो, आप फोटो दिखा रहा हूँ। ये देखो ये देखो आप माइनस बाईस डिग्री का फोटो देख लो, आदमी नहीं पहचान मारा माइनस बाईस, आदमी फ्रीज हो जाता है। हम लोग सब फ्रीज हो गए थे क्या पंकज? क्या ही बताए, एकदम हाथ पे जैसे आप जहाँ खड़ा है वहीं खड़ा रह जाइए। फ्रीज छः देर रहते जरा सा हिले जम जाते।